हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे पार्ट टू डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम दो तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को लेने में पार्टीज के सामने आती है। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी इंडियन एविडेंस एक्ट की बेरेक्ट अपने पास रखें। चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में जो दो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करने से पहले आपको एक रीकैप दे देते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। फिर से जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, उसके साथ रहना बंद कर देता है एक ही छत के नीचे, या फिर रहता तो एक ही छत के नीचे पर रिस्पांस उस तरह से नहीं करता जैसे एक नॉर्मल पति पत्नी को अपने साथ एक साथ इन्वॉल्व होना चाहिए रोज़मर्रा की गतिविधियों में, जो एक हस्बैंड वाइफ की मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको फुलफिल नहीं करता। तो जो एग्रीव्ड स्पाउस है वो डिक्री के लिए लगा सकता है एक पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कंपेल करवा सकता है दूसरे डिफॉल्टर स्पाउस को, या जिसे हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे, कि वो वापस उनके साथ कोहैबिट करे। अगर तो वो उनको छोड़कर चला गया तो एक ही छत के नीचे रहे, या फिर अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज़ होती है उनको परफॉर्म करें। सेक्शन 9 में कुछ एसेंशियल्स लिखे हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री लेने से पहले। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरा जो एक रिस्पोंडेंट है वो विड्रॉ कर चुका है आपकी सोसाइटी से, और ये विड्रॉल विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिस्पोंडेंट ने किया है, और कोर्ट को ये लगना चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और कोई बाधा नहीं है आपको डिग्री देने में। हाउएवर, ये तो एक्सप्लिसिट हो गए एसेंशियल्स, पर एक इम्प्लाइड एसेंशियल ज़रूर है कि आप एक मैरिड कपल होने चाहिए। अब हम पहली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम यही है कि कई केसेस में पार्टीज शादीशुदा ज़रूर होते हैं पर उनके पास इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं होता अपनी शादी को प्रूव करने का। लेट्स से ना कोई फोटोग्राफ होती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो अपनी शादी को कैसे प्रूव करें कोर्ट में, क्योंकि डिग्री लेने से पहले ये ज़रूर प्रूव करना ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट शादीशुदा हो। तो इसका उपाय सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट देता है आपको। अगर आप अपनी वीडियो पॉज करेंगे और सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 114 एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स, और उनमें से एक है ह्यूमन कंडक्ट। अब अगर पार्टीज़ का ह्यूमन कंडक्ट ऐसा है कि वो कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एक ही घर में, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा अंडर सेक्शन 114 कि ये एक शादीशुदा कपल है और उन्हें इंडिपेंडेंटली कोई और एविडेंस अपनी शादी का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ की पॉलिसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत में भी रिइटरेट की गई है कि लॉ लीन्स इन फेवर ऑफ मैरिज एंड अगेंस्ट कॉन्क्यूबाइनेज, कि लॉ एक जब लड़का और लड़की, आदमी औरत एक साथ रहते हैं तो उनके विवाहित होने में एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है, एक अनुमान लगाता है कि वो विवाहित है, ना कि वाइफ को एक मिस्ट्रेस या कॉन्क्यूबाइन का दर्जा देता है। और अगर कोई ऐसी मैरिज को डिनाई करना चाहता है, कोई ये बोलना चाहता है कि एक्स एंड वाई आर नॉट मैरिड, या फिर एक्स और वाई की किसी और के साथ शादी हुई है, तो जो ये प्रूव करना चाहता है वो ये प्रूव कर सकता है एविडेंस देकर, क्योंकि सेक्शन 114 की जो प्रिजम्पशन है वो एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है और कोई भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो इसका कॉन्ट्ररी या इसका अपोजिट प्रूव कर दे। हाउएवर, जनरल रूल यही है कि अगर पार्टीज एक दूसरे के साथ कई सालों से रह रहे हैं और लेट्स से नेबर्स उनको एज हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट कर रहे हैं और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कोर्ट में प्रूव करने का कि दे आर मैरिड कपल, पर लॉ प्रिज्यूम करेगा कि दे आर अ मैरिड कपल। हाउएवर, दिक्कत यह आ जाती है कि इसी सोच के साथ कि लॉ प्रिज्यूम करेगा दे आर अ मैरिड कपल, पार्टीज कोर्ट में चली जाती हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री लेने। ऑब्वियसली लेमैन को तो लॉ का पता नहीं है, पर उनके लिटिगेंट्स जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी उन्हें लेकर चले जाते हैं कोर्ट में कि आपको डिग्री मिल जाएगी ऑल दो आपके पास शादी का एविडेंस नहीं है, क्योंकि जनरल रूल सबको पता है कि लॉ लीन करता है इन फेवर ऑफ मैरिज। हाउएवर, बड़ी असेंशियल बात हमें यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रिजम्पशन है ये लॉ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केस में ड्रॉ नहीं करता है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री लेने से पहले ये एसेंशियल है कि आप सेपरेटली पहले अपनी मैरिज को प्रूव करें। तो आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री देने से पहले कोर्ट आपको बोलेगा पहले अपनी मैरिज को प्रूव करो, क्योंकि मैं आपकी मैरिज, आप मैरिड हो इस
ऐसी प्रिजम्पशन नहीं ड्रॉ करूंगा, तो आपको इंडिपेंडेंटली एविडेंस देके अपनी मैरिज पहले प्रूव करनी पड़ेगी, फिर ही आगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 के एसेंशियल्स पर बात पहुंचेगी। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रिजम्पशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केस में ड्रॉ नहीं होती है, इसलिए आपको अपनी मैरिज सबसे पहले कोर्ट में एसेंशियल है, आप उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस दे के प्रूव करें। और सिमिलरली ये सेम केस मैरिज प्रूव करने का बिगमी में भी है कि अगर आपको किसी को प्रोसिक्यूट करना है बिगमी के लिए, द्विविवाह के लिए, तो आपको जो पहली शादी है ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पर्सन पहले से भी शादीशुदा था और अब इसने सेकंड शादी तो ऑब्वियसली की है, तो इसलिए इसको बिगमी के लिए प्रोसिक्यूट हम कर सकते हैं। तो वहाँ भी पहली शादी को आपको प्रूव करना पड़ेगा, लॉ प्रिज्यूम खुद नहीं करेगा कि हाँ पहले से आप शादीशुदा हो क्योंकि आप काफ़ी देर से साथ रह रहे हो और उसके बाद आपने एक दूसरी शादी कर ली तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 494-495 IPC। नो, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर भी पहली शादी को इंडिपेंडेंटली एविडेंस देकर, फोटोग्राफ्स देकर या रजिस्ट्रेशन सेट कोई विटनेस लाकर आपको प्रूव करवाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ जो सेक्शन 9 की डिग्री लेने में आती है, वो ये है कि अगर एक वाइफ लेट्स से एक दूसरी स्टेट में या दूसरी सिटी में जॉब कर रही है, तो अगर वो हस्बैंड को रिफ्यूज़ कर देती है कि आई वॉन्ट गिव अप माई जॉब, तो क्या ये विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी ऑफ हस्बैंड माना जाएगा? तो आइए इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं, इसी प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर शास्त्रार्थ की बात करते हैं। शास्त्रार्थ में ये माना गया था और एक ऑब्लिगेशन थी कि वाइफ को हस्बैंड के साथ ही रहना है, वो भी अंडर द सेम रूफ एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द हस्बैंड। लॉजिक ये था कि हस्बैंड जो है वो वेज अर्नर है और फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो वाइफ का ख्याल रखेगा, तो इसी कारण से वाइफ का ये जरूरी था कि वो हस्बैंड की छत और छाया के अंदर रहे। ऐसा ही सिमिलरली तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह और कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रसाद का केस था, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कंजर्वेटिव व्यू लिया था इन्हीं शास्त्रार्थ के बेसिस के ऊपर। आपके साथ कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश के फैक्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे जो दोनों टीचर्स थे और डिफरेंट विलेजेस में ये पोस्टेड थे। जब इनकी मैरिज हुई तो वाइफ हस्बैंड के विलेज में ही पोस्टिंग हो गई, जहाँ पर सेम हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहीं पे वाइफ की पोस्टिंग हो गई। पर कुछ महीनों बाद वाइफ की पोस्टिंग अपने पेटर्नल विलेज में हो गई जहाँ वो पैदा हुई थी, और हस्बैंड ने एलिज किया कि वाइफ ने डिलिबरेटली अपनी पोस्टिंग अपने पेटर्नल विलेज में करा दी है और जब से उसकी पोस्टिंग हुई है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही है। और हस्बैंड ने ये बोला था कि वो काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ठीक है और वो अपनी वाइफ को सारी सुख सुनने के लिए समृद्ध हैं और काफ़ी केपेबल हैं। हाउएवर जो वाइफ थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपने हस्बैंड के विलेज में या वहाँ पे वहाँ नहीं जाऊँगी मैट्रिमोनियल होम में, क्योंकि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। और मैं वो विलिंगली बड़ी खुश थी और बड़ी विलिंग थी कि अपने हस्बैंड को मैं ज्वाइन किया करूँगी जब छुट्टियाँ हुआ करेंगी। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि उनका कोई डेलिब्रेट कारण नहीं था अपने हस्बैंड को छोड़ने का, बस काम के कारण वो दूर रह रही थी, पर उनका बिल्कुल एक बोनाफाइड इंटेंशन थी कि जब भी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं अपने हस्बैंड को ज्वाइन करूँगी, उनके गाँव में उनके घर में जाकर रहा करूँगी। हाउएवर जो कोर्ट था पंजाब ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें हस्बैंड को डिक्री दी सेक्शन 9 के अंदर और ये स्टेट किया कि वाइफ की ऑब्लिगेशन है कि वो हस्बैंड के साथ एक ही घर एक ही छत के नीचे रहे, जो कि शास्त्रार्थ का भी मानना था। और कोर्ट ने कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन का सहारा भी लिया, जैसे 125 CRPC और सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कि यहाँ पर वाइफ को मेंटेन करता है हस्बैंड अगर वाइफ इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो कोर्ट ने कंपेल किया वाइफ को कि अपने हस्बैंड को ज्वाइन करो। हाउएवर इसका बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरी व्यू लिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, और जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया गया है स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग में। इस केस में बोला था कि हर बार सेक्शन 9 की डिग्री दे देना हस्बैंड के फेवर में, क्योंकि हस्बैंड एक वेज अर्नर है और उसकी छत और छाया के नीचे वाइफ को रहना चाहिए। ये ख्यालात कस्टम्स पे बेस्ड थे, जो सोसाइटी के पुराने रीति रिवाज थे उन पे बेस्ड थे। हाउएवर आज की डेट में ये कस्टम्स इतने वैलिड नहीं हैं, आजकल टाइम बदल चुका है। आजकल अगर एक लेडी एक शादीशुदा औरत अगर अच्छा कमा रही है और हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है और हस्बैंड से ज़्यादा फाइनेंशियली वेल प्लेस्ड है, तो उस केस में ऐसी वेमेन की राइट है
टू चूज हर मैट्रिमोनियल होम. द राइट टू चूज द मैट्रिमोनियल होम बिलोंग्स टू द वाइफ इन सच केसेस. और कोर्ट ने बोला कि हिंदू लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो सिर्फ हस्बैंड पे ही ये राइट कॉन्फर करता है, हस्बैंड को ये राइट देता है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हस्बैंड का ही बनाता है कि आप ही मैट्रिमोनियल होम चूज करोगे. और सिंस कोई प्रोविजन नहीं है पर स्टिल अगर ये हस्बैंड को ही ब्लाइंडली ये राइट दी जाती है कि आप ही मैट्रिमोनियल होम को इस्टेब्लिश करोगे या आप ही डिसाइड करोगे कौन सा मैट्रिमोनियल होम कहाँ पर है, तो ये साफ तौर पर वायलेशन होगी आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. और इवन इफ पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे जहाँ पर ये साफ राइट कॉन्फर की जाए हस्बैंड को कि ओनली यू विल सेट अप अ मैट्रिमोनियल होम और यू विल हैव द राइट टू सेट अप अ मैट्रिमोनियल होम, तो वो भी कॉन्ट्ररी होगी टू आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा कोई भी एनैक्टमेंट या ऐसा कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. तो ये थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे पार्ट टू की वीडियो. ये थी दो प्रॉब्लम्स जो आपके साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिस्कस करनी थी. आपको इस पर राइट टू सेट अप अ मैट्रिमोनियल होम पे मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा. अगर आपको मॉडल आंसर की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें.